हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ सेन और जी वीडियो पर कैनरा बैंक प्रमोशन एग्जाम के ऊपर क्लर्क से ऑफिसर की तैयारी कर रहा हूँ, उसके ऊपर बात कर रहा हूँ और एग्जाम प्रिपरेशन के ऊपर किस तरीके से हमें एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहिए। जो जो बातें बता रहा हूँ सब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला बात क्या है कि आप बिल्कुल एक पिरामिड पे हैं, पिरामिड की तरह स्ट्रक्चर है। आप अभी क्लर्क हो और स्केल वन के लिए आप जा रहे हो, तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे लोग की छटनी होती है, इलिमिनेट होते हैं, ठीक है। आपको यहाँ से बचना है। एग्जाम लिया ही जाता है ताकि आपको हम इलिमिनेट कर सके या हम आपको छाट सके या हम आपको रिमूव कर सके, और तो कोई कारण होता नहीं एग्जाम को, नहीं तो सभी को प्रमोट कर देते, सभी क्लर्क से स्केल वन में जाते, ऐसा होता नहीं। छाटना मेन रीजन है, ठीक है। दूसरा पॉइंट पे, जितना आप अर्ली स्टार्ट करेंगे उतना आप बेस्ट प्रिपेयर कर पाएंगे अपना एग्जाम के लिए। पॉइंट नंबर थ्री पाइए, एग्जाम कंडक्ट कौन करने वाला है? कैनरा बैंक या आईबीपीएस? तो एग्जाम आईबीपीएस लेता है, कैनरा बैंक नहीं लेता है। ऐसा क्यों? ट्रांसपेरेंसी एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी असली मुद्दा है, ठीक है, कि पेपर ट्रांसपेरेंसी रहे। तो यहां पे क्या होता है, आईपीएस का स्टाफ का कोई लिंक ही नहीं होता कैनरा बैंक के स्टाफ के साथ, क्यों? ट्रांसपेरेंसी के रीजन है। बहुत लोग बोलते हैं कि एग्जाम दिया और मैं फेल हो गया। उनका कहना है कि मैं कैनरा बैंक का स्टडी मटेरियल पढ़ के गया है। अब समझते हैं थोड़ा सा इस चीज को, एग्जाम ले कौन रहा है? आईपीएस। तो यहां पे क्वेश्चन पेपर जो रहता है आपका, उसमें जो आपने कैनरा बैंक पढ़ा स्टडी मटेरियल, वहां से 60% रहेगा। बाकी बहुत सारे आपके एक्स्ट्रा टॉपिक्स या फिर कंटेंट्स होंगे वहां से एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां से 40% आपको एग्जाम में आएगा। थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए बी आर एक्ट है, ठीक है, 1949 का, तो पता चलेगा आपके बुक में 10 सेक्शन दिया है 60 सेक्शन में से। आईबीपीएस तो बाकी के बचे 50 सेक्शन जो है आउट ऑफ 60, उससे ऐसा तो है नहीं कि नहीं पूछे, उसी में से पूछ लिया और ये कवर हो गया आपका एक्स्ट्रा टॉपिक्स। तो समझना आपको किस तरीके से, मैं बार बार बोलता हूँ, सिर्फ अपने स्टडी मटेरियल पर डिपेंडेंट नहीं रही है, इसके अलावा बहुत सारा चीज पढ़ना पड़ेगा, तब जाके प्रमोशन पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में फाइट है, ठीक है, समझ गए बात। इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, आपके लिए प्रॉपर हम लोगों ने स्टडी मटेरियल निकाला हुआ है, यानी हम लोग क्या करते हैं आपके लिए प्रॉपर हम लोग वीडियो कोर्सेज बनाते हैं जो कि कवर करेगा पूरा इंटायर सिलेबस को, पूरा इंटायर सिलेबस कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे जितने भी सर्कुलर्स के वीडियोज होते हैं ये सारा लेटेस्ट रहेगा आपका। लेटेस्ट कब का है? तो ये आपका 12th अक्टूबर 2024 का है, एकदम लेटेस्ट ही है। यहाँ पे सारा वीडियोस जो होता है वो पहले से रिकॉर्डेड होता है ताकि आप इसको वॉच कर सके एनी टाइम। ठीक है, हम इसे कैसे एक्सेस करेंगे? हम इसे एक्सेस वेबसाइट के माध्यम से करेंगे। हमें करना ही क्या है, हमें अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना है जो हमारी ईमेल आईडी पर आया हुआ होगा। हमारे ईमेल पर
दो मेल आया हुआ है, एक हो जाएगा वीडियो कोर्स का, दूसरा हो जाएगा मॉक टेस्ट का। अब हम आते हैं यहाँ पे कोर्स कंटेंट के ऊपर। सबसे पहला हो जाएगा वीडियो लेक्चर कोर्स, दूसरा हो जाएगा सर्कुलर्स के वीडियोस, तीसरा हो जाएगा नोट्स पीडीएफ में, चौथा हो जाएगा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो, पांचवा हो जाएगा क्वेश्चन बैंक, तीन हजार सेट का पीडीएफ, छठा हो जाएगा 20 मॉक टेस्ट, प्राइस हो जाएगा, दाम हो जाएगा 2,000 रुपये, 6 मंथ्स की वैलिडिटी के लिए। दूसरे का दाम हो जाएगा 3,000 रुपये लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए, मर्जी आपकी, जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं चॉइस आपकी। फिर भी कुछ डाउट हो तो आप व्हाट्सएप करें, नंबर है 4×9685127 पे, या फिर वेबसाइट पर जा कर के उधर से आप सीधा सीधा हमें ऑनलाइन पेमेंट करें। हमारा वेबसाइट है www.jaiibcaiibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seedsinha123@gmail.com। इस सारा इंफॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।